नमस्कार, कुछ लोग जुड़ जाएं फिर बात करना स्टार्ट करता हूँ। कुछ लोग जुड़ जाएं और वीडियो को शेयर करें ताकि आगे तक बात पहुँच सके। अभी मैं निकल चुका हूँ दोहा कतर के लिए। आज मेरी फ़्लाइट है। सबसे पहले जो है देखना शुरू किए धर्मेंद्र कुमार भैया और मोहम्मद कलीम अख्तर, रिजवान खान, सलीम अहमद भाई, मोहम्मद कुवैस, मेतुल्ला खान, सारे भाइयों को सलाम। अजय यादव भाई हैं, मोहम्मद अरमाज मलिक भाई हैं, ठीक है, खुर्शीद आलम भाई हैं, सुभाष कुमार भाई हैं, बरकत अली हैं, सन्नी कुमार, मंजूर अंसारी, संदीप कुमार इंजीनियर हैं, संदीप कुमार मैकेनिकल इंजीनियर का मेरे पास आया तो है ओमान के लिए, अभी फार्मर मुझे चाहिए, 120 BD सैलरी है और मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए जो कि मैंने रिक्वायरमेंट ऑलरेडी डाला है। MD कलीम भाई पूछ रहे हैं क्या हाल है, बस अल्लाह का शुक्र है भैया, बढ़िया है। वालेकुम सलाम भाई, समीर भाई सलाम कर रहे हैं, सारे लोगों को मेरी तरफ से सलाम वालेकुम। और मैं निकल चुका हूँ कतर के लिए, अभी एयरपोर्ट जा रहा हूँ। आज जो है शाम में मेरी फ़्लाइट है दोहा कतर अबू धाबी से, इंशाल्लाह कल जो है आसाम में ही मैं कतर पहुंच जाऊंगा, एयरपोर्ट से भी ला ही पाऊँगा। रिक्वायरमेंट के लिए लोग तैयार रहे हैं जो भी टेट के देख रहे हैं। और देखिए दीपक कुशवाहा स्टोर कीपर क्या लिखे हैं, फैजान खान भाई मैंने ईमेल की थी आपको, कुछ रिप्लाई नहीं आया। ईमेल पे अगर रिक्वायरमेंट आपके टेट है तो ईमेल पे थोड़ी ना होगा भैया, अगर आपके ट्रेड का रिक्वायरमेंट है मैं लाइव आके बोला हूँ तो आपको ऑफिस में जाके तुरंत फटाफट काम कराना रहे, ठीक है। फायर अलार्म फिक्सेशन के लिए तुम ऑलरेडी मैंने जो लोग आए थे उनका अप्लाई किया। अखिलेश कुमार सिंह भैया अभी सेल फॉरमेंट तो नहीं चाहिए भैया। आमिर जाही है टावर क्रेन। अब देखिए अब सलमान खान भाई पूछ रहे हैं पैकिंग वाला बड़ी मुश्किल है जान लीजिए। चलिए ठीक है, मैं इंशाल्लाह देखता हूँ कतर में क्या है, कतर में तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। आप मनी यादव भाई, मनिंदर यादव भाई क्या पूछ रहे हैं बताइए। इलेक्ट्रीशियन का विक्रम भाई आता है, ITI का मतलब क्या है, आपका सर्टिफिकेट थोड़ी ना काम करेगा, आपको काम करना पड़ेगा। कंपनी वाला दे दिया भाई ये लो हाउस वायरिंग करो, आप ITI के सर्टिफिकेट दिखाएंगे सर सर्टिफिकेट है तो नहीं काम बनेगा, समझ रहे हैं, काम लाजिम में आना चाहिए किसी हालत में। शॉपिंग मॉल का नहीं है, फार्मर का है भैया ओमान के लिए। जो भी भाई देख रहे हैं वीडियो को शेयर करें फिर आगे बात करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जो भी भाई देख रहे हैं फैजान भाई जाइए, लेट मत करिए, एलुमिनियम फिटर है तो आप लेट थोड़ा भी ना करिए, जल्दी जाइए, ठीक है। और देखिए एलुमिनियम फिटर के लिए आपने बताया तो मैं ऑफिस में मैसेज कर दे रहा हूँ ताकि डॉक्यूमेंट भेजना था एलुमिनियम फिटर का कंपनी में, एक मिनट जी। एलुमिनियम फैब्रिकेटर के जितने लोग हैं तुरंत डॉक्यूमेंट भेजिए, कंपनी वाला मेल किया है उसको फॉरवर्ड करना है, ठीक है। व्हाट्सएप भी करिए और मेल भी करिए जल्दी से, ठीक है। आप लोग बता रहे थे कल जो भी लोग ऑफिस में आए थे एलुमिनियम फैब्रिकेटर था और CNC ऑपरेटर था, ये डॉक्यूमेंट तुरंत भेजिए लीजिए। फैजान भाई बहुत शुक्रिया, आपने एलुमिनियम फैब्रिकेटर के मुझे याद आ गया, डॉक्यूमेंट कंपनी मांग रही है मैंने अभी तक भेजा नहीं था। और क्या पूछ रहे हैं आप, कुछ जवाब नहीं दे रहे हो भाई, कारपेंटर फर्नीचर जॉब के लिए है ना यार मेरे भाई, लेकिन अभी कतर का रिक्वायरमेंट मिला है, मैं कंपनी में से जाके लाई पाऊँगा, रहो ऑफिस पे आ जाए कोई दिक्कत नहीं, रिक्वायरमेंट लाई पाता हूँ। तो गोविंद निषाद भाई जो भी लोग देख रहे हैं जो भी ट्रेड है उनका कतर का मोबाइल नंबर, जिब्बन भाई हमारे हैं बहुत पुराने दोस्त हैं हमारे, आते हैं दोस्त मिलते हैं आपसे। एयरलाइन जॉब मिलेगा भाई, नहीं सिविल साइट इंजीनियर, सुधीर है कलकत्ता से सिविल साइट इंजीनियर, अब जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा मैं लाइव आके बताऊंगा। व्हाट्सएप पे कोई जवाब नहीं आता है भाई, जी भैया क्या किया जाए, एक रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और स्टाफ थोड़ा कम है हमारे पास। वॉल पेंटर
काली भाई पूछ रहे हैं, वेल्डर, वेल्डर का तो आया ही था, ख़त्म हो गया, अभी फिर जाता हूँ देखता हूँ। सरफराज अंसारी भाई हैं, और भाई में मैकेनिकल हेल्पर है रिजवान खान। टुगेदर आई एम फ्रॉम शिवान बिहार। मोहम्मद हसन भाई, ये देखिए दुबई फ्रेम है, ये दुबई फ्रेम है, बहुत ही फेमस जगह है, एक तरह से म्यूजियम है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है। इसमें दुबई का पूरा पूरा 100 साल का इतिहास है इसमें। अभी रास्ते में आ गया, मैं सोचा दिखा दूँ। डिबेट है, क्या लिखते हैं कमेंट सर, QTA कंपनी का सिलेक्शन का क्या हुआ? जो QTA वालों को तो वीज़ा निकल गया सद्दाम अंसारी भाई, अभी देखिए ना आप देखिए। हाँ सद्दाम अंसारी भाई, हाँ QTA वाले में अभी जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ उनका वीज़ा निकल गया, उनका टिकट हो रहा है, और कुछ लोगों का जो है बैंड वगैरह कुछ वीज़ा रिजेक्ट भी हो गए थे, अप्लाई हुआ था। मैं जाके कतर में देखता हूँ क्या है क्या नहीं। और कल सुबह तक आपके ऑफिस में पहुँच जाऊँगा। ठीक है बैजान भाई, पहुँचिए पहुँचिए, लेट ना करें, क्योंकि इस कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। फैब्रिकेटेड वारंट मेरा हैवी लाइसेंस है, इंडिया का सर कुछ हो सकता है, इंडिया का है, आप देखते हैं अगर कोई बात बनता है तो बताते हैं। दुबई यार मेरे को जमा नहीं है, दुबई का रूल रेगुलेशन थोड़ा भी नहीं जमा मुझे। काम तो अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी के बहुत ज़्यादा ही मिला, लेकिन मैंने नहीं किया यार, क्योंकि ड्यूटी वगैरह 12-12 घंटा फिक्स सैलरी नहीं समझ में आया। ऊपर से जो यहाँ का एक रूल है कि कैंडिडेट का अगर वीज़ा निकल जाता है और नहीं आता है तो 6,000 दरहम इंडिया का 1,20,000 रुपया जो है पेनाल्टी मुझे देना था, तो मैं कंफ्यूज हो गया। सोच कि कैंडिडेट में 2-3 हज़ार रुपये बचता है यार, अगर 100 आदमी भेजते हैं और उसमें से 2-4 भी बोल देते हैं नहीं जाऊँगा तो मैं नुकसान में चला जाऊँगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम होता है कैंडिडेट का, सपोज करिए वीज़ा निकल गया, घर में किसी का डेथ हो गया, कोई इमरजेंसी हो गया, तो बेचारा कैसे जाए? वो तो सीधा कहेगा भाई ऐसी ऐसी बात हो गई, नहीं जा पाऊँगा, लेकिन उसमें पूरा नुकसान चला जाएगा और कंपनी वाले से रिलेशन भी मेरा ख़राब हो जाएगा। हाँ, इसके वजह से जो है उतना इंटरेस्ट नहीं लिया दुबई के लिए, जैसे दुबई के लिए तो हर एक ट्रेड जो भी आप लोग बोल रहे हैं हर एक ट्रेड का काम मुझे मिला, लेकिन उतना जो है इंटरेस्ट नहीं लिया। कतर में इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करिए, आप लोग भगवान से अल्लाह ताला से दुआ करिए, इंशाल्लाह बेहतर करेंगे, बहुत ही बेहतर करेंगे, क्योंकि कतर में तो पूरा सेटअप है, ऑफिस है, सारी चीज़ें हैं। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि सिर्फ आपके लिए मैं जा रहा हूँ और कोई काम नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपके लिए जा रहा हूँ। क्योंकि वीडियो को शेयर करने में कंजूसी ना करें यार, आप लोग देखिए 598 लोग देख रहे हैं, हाँ, लेकिन मतलब बहुत कम ही लोग हैं जो शेयर किए हैं। शेयर करने से क्या होता है, मेरी बात और लोगों तक पहुंच जाएगी, जिससे क्या होगा कि सारे लोग जान जाएंगे कैसे क्या है क्या नहीं है। बाकी दुबई में जो भी भाई आ रहे हैं सोच समझ के आएँ, ठीक है, क्योंकि सारे जन मेरे जैसे नहीं होंगे कि हाँ आके एक एक चीज़ वेरीफाई करके आपको ओके करें। अभी प्रेजेंट टाइम में जो है मैंने जो GNB कंपनी का रिक्वायरमेंट दिया उसमें 20 वीज़ा निकल गया, जिन्होंने डॉक्यूमेंट दिया उनका तो बल्ले बल्ले हो गया, बहुत बेहतरीन कंपनी है, ठीक है। मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर की वीज़ा निकल रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर का मैंने पोस्ट डाला है सनी भाई, मैकेनिकल इंजीनियर का देखिए ना फेसबुक पर पोस्ट डाला उमान के लिए, उसको GCC एक्सपीरियंस चाहिए, क्या क्या चाहिए, ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाला है। और क्या सवाल है सनी यादव भाई के पास कोई कमेंट ही नहीं आ रहा, अभी फ्री हूँ भाई, जो भी पूछना है टाइप करके पूछे, पहले शेयर करें उसके बाद टाइप करें सवाल अपना, ठीक है, कमेंट रुक। हाँ सनी